देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू से हो रही मौतों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू पीड़ितों के परिजन हर उस नुस्खे को आजमा रहे हैं जिससे बीमारी से बाहर आने की जरा भी उम्मीद हो। इसी आस ने दिल्ली एनसीआर में बकरी के दूध और पपीते की पत्तियों से बनी टैबलेट्स के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। मगर एम्स के डॉक्टरों का दावा है कि बकरी का दूध और पपीते के पत्तों का रस वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं है, ये सिर्फ लोगों का एक भ्रम है और पैसे कमाने के लिए ये अफवाह फैला रखी है। तो एक्चुअली अगर वोमिटिंग इंड्यूस करता है तो इट इज नॉट इफेक्टिव। बकरी का दूध आप कुछ भी दे सकते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट वाला भी होता है, प्लेटलेट्स के ऊपर ये प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। अनलेस यू डू कंट्रोल ट्रायल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से अनुहारम में दीजिए, एक में दीजिए, एक में मत दीजिए, जो बकरी का दूध देना है जो भी देना है आपने। बट अनलेस वी हैव सॉलिड एविडेंस प्रूफ वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी ये बढ़ाता है नहीं बढ़ाता। एम्स के डॉक्टर डेंगू के इलाज के लिए भले ही पपीते के पत्ते और बकरी के दूध को नकार रहे हों, मगर कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने डेंगू से बचने के गुर बताते हुए बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, अनार, गिलोय और एलोवेरा के रस को कारगर बताते हुए कहा था कि इससे प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव का दावा था कि ये नुस्खे डेंगू की किसी भी स्टेज पर कारगर साबित होते हैं। आप गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन चार चीजों का जूस पी है और ये चार चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है, कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं है। 50-50 ml इनका रस लेकर के, और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3-4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि पपीते के पत्ते और बकरी के दूध से डेंगू का इलाज नहीं हो सकता, बल्कि अगर लोगों को इस बीमारी से बचना है तो अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें और पानी इकट्ठा न होने दें। साथ ही बीमार होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी हो, और जब तक आपको उल्टी या ब्लीडिंग न हो तब तक बेवजह अस्पतालों में भर्ती होकर भीड़ इकट्ठा न करें। वहीं बाबा रामदेव का कहना है कि जहां मेडिकल साइंस की हदें खत्म हो जाती हैं, वहां प्राचीन विज्ञान और आयुर्वेद की पद्धति कारगर होती है। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि हर चीज के लिए पश्चिम के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बहरहाल पपीते के पत्ते और बकरी का दूध डेंगू के इलाज में कितने कारगर हैं, ठोस तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।